हमारी जनसंख्या 1 अरब पहुंचने में कई 100 हजार साल लगे और करीब 200 साल में हमारी जनसंख्या 7.5 अरब के पार पहुंच गई। कई साइंटिस्ट्स की माने तो हमारे पास सिर्फ 2 अरब लोगों के सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। यानी हमें अपने रिसोर्सेज और फूड प्रोडक्शन को सावधानी से यूज करने की जरूरत है ताकि हम अतिरिक्त 5.5 अरब लोगों की आवश्यकताएं पूरी कर सकें। लोगों की खान पान की जरूरतों को पूरा करने के लिए फार्मिंग के नए नए तरीके अपनाए गए। ज्यादा उपज के लिए फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। वहीं दूध और अंडों की मांग बढ़ने से पालतू जानवरों को ज्यादा घने शेड्स में रखने की शुरुआत की गई और जरूरत पड़ने पे उन्हें मांस के लिए बाजार पहुंचाया जाने लगा। कन्वेंशनल फार्मिंग के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप इस चैनल पे मॉडर्न एग्रीकल्चर नाम के हमारे वीडियो को देख सकते हैं। वैसे इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती पे बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा हम फार्मिंग के दूसरे मेथड्स के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे और नुकसान की तुलना भी करेंगे। आज के समय में ऑर्गेनिक फार्मिंग दुनिया भर की मात्र 1% एग्रीकल्चर लैंड में की जा रही है। ये सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड तो है ही, साथ ही कन्वेंशनल फार्मिंग की अपेक्षा ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए फार्मिंग के इस मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लाइमेट चेंज का कंप्लीट सलूशन नहीं है और इसीलिए इस पे बहस अभी भी जारी है। थ्योरेटिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स या किसी भी तरह के एडिटिव्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इन सब के बजाय किसानों को दूसरे नेचुरल अल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि ऑर्गेनिक फार्मिंग की उपज कम है, लेकिन किसान अपने प्रोडक्ट्स को ऊंचे दामों पे बेच पाते हैं क्योंकि कंज्यूमर्स का मानना है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेहतर क्वालिटी के होते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में फर्टिलाइजर्स के बजाय मैन्योर यानी गोबर की खाद का इस्तेमाल किया जाता है। मैन्योर वेस्ट को तो रिसाइकिल करता ही है, साथ ही ये सॉइल स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करता है। हालांकि ये बदबूदार होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल केमिकल फर्टिलाइजर्स की अपेक्षा मुश्किल है। सॉइल को किसी भी तरह की बीमारी से बचाने के लिए और सॉइल कॉम्पोजिशन यानी मिट्टी के संयोजन को मजबूत बनाने के लिए फसलों की अदला बदली की जाती है। मटर और फलियों जैसी फसलें एयर से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में नाइट्रेट्स की मात्रा बढ़ाती हैं, जो मिट्टी को और ज्यादा उपजाऊ बनाता है। यही कारण है कि किसान दूसरी फसलों को मटर और फलियों की फसल से रोटेट करते रहते हैं। हालांकि उपज घटने के कारण कई फसलों को उगाना किसानों के लिए उतना फायदेमंद नहीं रहता। ऑर्गेनिक फार्मिंग में पेस्टिसाइड्स के बजाय वीडिंग यानी निराई को प्रेफरेंस दी जाती है। केमिकल फ्री होने की वजह से ये पेस्टिसाइड्स की अपेक्षा ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली तो है, लेकिन ये मेहनत वाला काम है। हालांकि वीडिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहती है, जो अच्छी बात है। ऐसा माना जाता है कि कन्वेंशनल फार्मिंग की अपेक्षा ऑर्गेनिक फार्मिंग में कम से कम केमिकल इस्तेमाल किए जाने के कारण ये बायोडायवर्सिटी को सपोर्ट करती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल न किए जाने के कारण बीज और इंसेक्ट्स उस एरिया में ज्यादा होते हैं, साथ ही हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल न होने के कारण जंगली घास उगने की संभावना ज्यादा रहती है। बायोडायवर्सिटी फूड चेन के सभी स्तर पे फायदेमंद है। तो ये वही ऑर्गेनिक फार्मिंग की थ्योरी है जिसका इस्तेमाल हम करीब 100 साल पहले तब किया करते थे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। ऐसा माना जाता है कि बायोडायवर्सिटी के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग बेहद फायदेमंद है। इसके अलावा केमिकल्स के कम इस्तेमाल के कारण ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी वाले होते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के दूसरे वीडियो में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की कुछ समस्याओं पर बात करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो नीचे कमेंट्स में लिखें।